फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑल कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरियन एग्जाम्स के लिए 50 इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बताती हूँ। ना स्टार्ट फर्स्ट, लाइब्रेरियंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन लाइब्रेरियंस डे। हर साल कब मनाया जाता है? 14th नवंबर, 12th अगस्त, 26th जनवरी, 2nd अक्टूबर। राइट आंसर इज 12th अगस्त। सेकेंड, द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी इंडिया बॉज। इंडिया में इम्पीरियल लाइब्रेरी का फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन था? हरिनाथ बी, W.A. वार्डन, जॉन मैकफरलेन, B.S. केसवान। राइट आंसर इज जॉन मैकफरलेन। थर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर रिकॉग्नाइज एज स्टैंडर्ड, पेटेंट, कॉपीराइट, स्पेसिफिकेशन। राइट आंसर इज कॉपीराइट। फोर्थ, द ऑथर ऑफ इंडियाज़ नेशनल लाइब्रेरी इज B.S. केसवान, K.M. असादुल्ला, P.N. कावला, A.दास गुप्ता। राइट आंसर इज B.S. केसवान। वॉट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की फ्रिक्वेंसी क्या है? वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, एनुअल। राइट आंसर इज वीकली। सिक्स, डायरेक्टरीज आर विच टाइप ऑफ सोर्स? डायरेक्टरीज किस टाइप का सोर्स है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनफॉर्मल। राइट आंसर इज टर्सरी। सेवेंथ, कैनन ऑफ एक्सर्टेनबिलिटी इज कंसर्न्ड विथ क्लासिफिकेशन, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, कैटलॉगिंग। राइट आंसर इज कैटलॉगिंग। एथ, इंडोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ? इंडोलॉजी एग्जाम्पल है फ्यूजन, एग्लोमरेशन, फिजन, क्लस्टर। राइट आंसर इज क्लस्टर। नाइन्थ, यूनिमार्क इज मेंटेन्ड बाय यूनेस्को, ALA, IFLA, LA। राइट आंसर इज IFLA। टेंथ, व्हाट इज यूजर्स प्रोफाइल? यूजर्स प्रोफाइल क्या है? अ लिस्ट ऑफ यूजर्स, अ लिस्ट ऑफ यूजफुल फाइल्स, अ स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एन यूजर, अ स्टेटमेंट फॉर यूजिंग द लाइब्रेरी। राइट आंसर इज अ स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एन यूजर। 11th, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट? बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट के टू टाइप्स क्या हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल, लोकल एंड नेशनल, एक्सचेंज एंड मिक्स्ड, इंटरनल एंड एक्सचेंज। राइट आंसर इज इंटरनल एंड एक्सचेंज। 12th, व्हाट इज LCSH? LCSH क्या है? कंट्रोल्ड वोकैबुलरी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कंट्रोल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। राइट आंसर इज कंट्रोल वोकैबुलरी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। 13th, MESH इज एन एग्जाम्पल ऑफ? MESH एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन स्कीम, थिसियोरस, इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल, रिलेटिव इंडेक्स। राइट आंसर इज थिसियोरस। 14th, द कार्ट फॉर्म कैटलॉग वॉज स्टार्टेड फर्स्ट इन विच कंट्री? कार्ट फॉर्म कैटलॉग सबसे पहले कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था? किस कंट्री से? USA, UK, फ्रांस, इंडिया। राइट आंसर इज फ्रांस। 15th, हु डेवलप द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप? पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप किसने डेवलप की? लिंसर्ट, रॉबर्ट हाउस, फेडलर, एलेक्जेंडर। राइट आंसर इज रॉबर्ट हाउस। 16th, द फ्रिक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज? बुक्स इन प्रिंट्स की फ्रिक्वेंसी मंथली, क्वार्टरली, वीकली, एनुअल। राइट आंसर इज एनुअल। 17th, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC? UGC के फर्स्ट चेयरमैन कौन था? D.S. कोठारी, S.राधाकृष्णन, C.D. देशमुख, K.P. सिन्हा। राइट आंसर इज C.D. देशमुख। 18th, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच सिटी? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कौन सी सिटी से पब्लिश हुई? न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो, मैरीलैंड। राइट आंसर इज शिकागो। 19th, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इशूड मार्क वन इन 1960, 1966, 1970, 1976। राइट आंसर इज 1966।
20 canon of recall value is concerned with rendering of section, heading, notes, tracing. Right answer is heading. 21. Who developed PPBS technique of busting? PPBS technique of busting किसने develop की? Rand Corporation, Defense Department of USA, World Bank, International Monetary Fund. Right answer is Rand Corporation. 22. Which one using ISSN number? Ulrich, International Periodical Directory, British National Bibliography, Library Literature, Indian National Bibliography. Right answer is Ulrich, International Periodical Directory. 23. In the beginning CPM was used in शुरुआत में CPM का used हुआ था. In construction programs, in research and development programs, in military programs, in space programs. Right answer is in construction programs. 24. In which month the book week is celebrated in India? किस महीने में बुक वीक इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. राइट आंसर इज नवंबर. 26. हु डेवलप्ड द फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ? फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ किसने डेवलप किया? जी मार्कोनी, आर फेसिडिन, ग्राम बेल, न्यूटन. राइट आंसर इज जी मार्कोनी. 27. Operations research is a tool of operation research tool है library classification, library cataloging, library management, library organization. Right answer is library management. 28. Bottom card is prepared for each protocol in Kardec system, Ledger system, three card system, two card system. Right answer is Kardec system. PPBS is a technique originally developed by Rand Corporation, US Department of Defense, World Bank, IMF. Right answer is Rand Corporation. 30. Referral service are provided by whom? Referral service कहाँ से provide की जाती है? Documentation center, information center, reference center, referral center. Right answer is referral center. 31. Who developed the contingency model of leader? Contingency model of leader किसने develop की? Linsert, Robert House, Federer, Alexander. Right answer is Robert House. 32. What is Fortran? Fortran क्या है? Software, hardware, company, programming language. Right answer is programming language. 33. What is full form of Fortran? Fortran का full form क्या है? Formula, translation, for translation, for training, formula, tabulation. Right answer is for translation. 34. What is GoFair? GoFair क्या है? It's a service, it's a tool, it's an information browser, it's an home page. Right answer is it's an information browser. 35. Who sponsored NICNET? Government of India, UGC, CSIR, UNESCO. Right answer is Government of India. 36. What are two types of ISDN? ISDN के two types क्या है? Narrowband and wideband. Narrowband and broadband, interband and outerband, largeband and shortband. Right answer is narrowband and broadband. 37. What is the new name of Dell.net? Dell.net का new name क्या है? Delhi Libraries Network, Delhi Network, Delivery of Libraries Network, Developing Libraries Network. Right answer is Developing Library Network. 38. InfoSec is a popular gateway browsing search engine highway. Right answer is browsing. 39. Historical method of research can be applied. Historical method applied किया जा सकता है. Only in history, only in literary history, in all subject, in science subject. Right answer is in all subjects.
40. What are two parts of bibliometry? Bibliometry के two parts क्या हैं? Descriptive and evaluated, analytic and communicated, quantitative and qualitative, deductive and inductive. Right answer is descriptive and evaluated. 41. Chi square is a technique related to. Chi square technique related है bibliometrics, infometrics, statics, computerization. Right answer is statics. 42. Citizens' attitude towards public library was survey conducted by Charles Samuel, J.L. Schofield, Charles Evans, Marley White. Right answer is Charles Evans. 43. SPID, statistical package, was developed by. SPID statistical package developed किया Wells Lab, Aptech Systems, SC Model Software, Macquarie University. Right answer is Macquarie University. 44. The Shannon Weaver model of communication is criticized for being too mathematical, unidirectional, situated to electronic commerce, transport communication. Right answer is situated to electronic commerce. What is the unit of information? Unit of information kya hai? Weight, weight, gram, hertz. Right answer is weight. 46. The first library act in India was enacted in the state of. सबसे पहले इंडिया में फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट किस स्टेट में लागू हुआ था? हैदराबाद, मद्रास, मैसूर, बॉम्बे. राइट आंसर इज मद्रास. 47. द फर्स्ट इंग्लिश साइंटिफिक जर्नल इज. सबसे पहला इंग्लिश साइंटिफिक जर्नल है फिलोसफिकल ट्रांजैक्शंस, नेचर, डेगेलस, यूरेका. राइट आंसर इज फिलोसफिकल ट्रांजैक्शंस. 48. द फर्स्ट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर लाइब्रेरियंस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय. इंडिया में सिस्टमैटिक ट्रेनिंग लाइब्रेरियन के लिए किसने स्टार्ट की थी? डब्ल्यू ए वार्डन, एस आर डॉन डिकिंसन, के एम असादुल्ला, एस आर रंगनाथन. राइट आंसर इज डब्ल्यू ए वार्डन. 49. इंडेक्स इंडिया इज आ एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, रिप्रोग्राफिक सर्विस, इंडेक्सिंग सर्विस. राइट आंसर इज ट्रांसलेशन सर्विस. 50. व्हाट वाज द फास्ट नेम ऑफ एफआईडी? एफआईडी का फास्ट नेम क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरी. राइट आंसर इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें.